Cobra. वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। तो आज मैं आ गया हूँ नया वीडियो लेके मार्कस प्लेन 2 के साथ। सो, पिछले फाइट में हमने काफ़ी इम्पॉसिबल फाइट को जीता। सो, आज का फाइट भी वैसा ही है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 8 के लेस स्टेबिलिटी है, बट मैं इसी में चीफ ऑफ द आइसलैंडर को हराने के मूड में हूँ। सो, दो फाइट रूल है यहाँ पे, द लास्ट चीफ एंड फ्रेजाइल डिसेंडेंट। और सबको पता ही है कि चीफ के पास पावर है कि वो ग्राउंड को समन कर सकता है और कुछ लहरें जटाएँ उठ जाती है और उसे हम पार नहीं हो सकते। सो, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इस बंदे को मैं ज़मीन न छूने दूँ। अगर ये चीफ ज़मीन छू लिया सो, मेरी लग जाएगी। सो, यू कैन सी काफ़ी लेस डैमेज कर पा रहा हूँ मैं, प्लस में इसका एक हिट काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है मुझे। ओके, सो यू कैन सी मैंने इसको ग्राउंड नहीं छूने दिया, विच इज़ गुड, बट बिकॉज ऑफ लेस डैमेज मैं हार गया। सो, मैंने थोड़ा टैक्टिक आजमाया, फिर मैं आया इस ब्लूसम फेस्टिवल साकुरा सेट के साथ, बिकॉज ये काफ़ी मज़ेदार सेट है। मुझे लगा कि मैं इससे इसको हरा सकता हूँ और डैमेज भी काफ़ी अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन एज यू कैन सी फर्स्ट राउंड में मैंने ये गलती कर दी, इस बंदे को जम ग्राउंड छूने दिया। सो, और यहाँ पे मैं हार, बिकॉज यू कैन नॉट विन बाय दिस इफ़ ही टचेस द ग्राउंड। सो, दिस टाइम आई विल नॉट लेट हिम टच द ग्राउंड, दैट्स ऑल, नो मैटर वॉट। अगर ये ज़मीन नहीं छू पाया सो, देयर इज़ नो चांस दैट ही कैन डिफीट मी। इसके पास बस एक ही पावर है, ही कैन समन द पावर ऑफ ग्राउंड्स, विच आई विल नॉट लेट हिम टू। और यहाँ पे चीफ ऑफ आइसलैंडर टाटा बाय बाय, कैसा लग रहा है हार के। सो, चीफ ऑफ आइसलैंडर को मैंने फर्स्ट सेकेंड राउंड परफेक्ट में हराया। फर्स्ट राउंड बहुत बुरी तरह से हारा, बट दैट्स गुड, डिंट इनफ पीपल डाई। मतलब किस बात की बात कर रहा है ये, आई कैन नॉट सी फील, वॉट डू यू वॉन्ट। सो, इस बार भी चीफ ऑफ आइसलैंडर नहीं समन कर पाया ग्राउंड पावर। और यहाँ पे सेकेंड राउंड में मैं परफेक्शन के साथ जीत चुका हूँ, इवन दो आई हैव 8 के लेस स्टेबिलिटी। सो, दैट्स व्हाई आई से स्टेबिलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द फाइट इन मार्कस। ऑल यू हैव टू इज फाइट वेल एंड डोंट गेट हिट बाय एनी वे। सो, एज यू कैन सी हियर, आई एम नॉट गेटिंग हिट बाय एनी वे, बट हियर ही गोस, मैं जीत चुका हूँ चीफ ऑफ आइसलैंडर का फाइट। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसे ट्रेलर में भी डाला था, इसके एक पार्ट को। सो, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। शिबाटा, प्लीज स्टॉप, ग्रेट चीफ, वी आर नॉट द इमोर्टल्स, वी हैव आवर ओन एजेंडा। सो, इट्स टू लेट, द इमोर्टल्स हैव टेकन प्रिस्टेस अवे, वी ट्राइड टू प्रोटेक्ट हर बट दे किल एवरीवन, एवरीवन इज डेड, आई एम द ओनली वन लेफ्ट। ओ सख्तर, ऑल डेड, ऑल ग्रेट शैडोज, व्हाट द फक इज हैपनिंग। So it's time to kill those who have killed everyone. Smart old man. So Hydra's का fight rule है, ये health regenerate कर सकता है, plus में, but मेरे पास भी poison है और मैं इसकी बराबर ले सकता हूँ। So it's time to kill runway outlaw. Come on, you old fart. You don't have right to live in this world. सो, इसका हेल्थ रिस्टोर भी हो रहा और ऊपर से पॉइजन फर्क ने कर दिया काम पूरा तमाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर, पहला था परफेक्शन, चलते हैं दूसरे राउंड की ओर। और यहाँ पे फिर से इसका टकला तोड़ने का, मतलब क्या ही गड़बड़ी चल रहा है, कुछ तो समझ नहीं आता वैसे मुझे स्टोरी में, बट चलते हैं, स्टोरी फॉलो करना काम है हमारा और सर तोड़ना। ओके, यू ओल्ड मैन, इसका क्या है कि हेल्थ रिजर्वेशन काफ़ी तेज़ है बिकॉज ऑफ हैविंग लेस स्टेबिलिटी। सो, अभी फायर रूल नेगेट तो हुआ नहीं है, सो, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का नहीं, आराम से हेल्थ रीजनरेट कर पा रहा है, बट आई हैव ऑल्सो मैक्स द पॉइजन पर एंड आई विल टेक दैट रियल बेनिफिट ऑफ दैट। सो फ्रेंड्स, वॉट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्ले अदर देन शैडो फाइट 3, प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम इचिंग टू नो। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब ऐसा लगता है शैडो फाइट 3 ही खेलते हैं एंड शैडो फाइट अरेना। So I will like to know what other games you play. Okay, so poison perk is working.
and I don't want to take any damage because he will regenerate his health quite fast. So I think he is a goner now. Bye bye Taklu. So Taklu ka kaam tamam hua, ab badhte hain aage next fight. So badhte hain next story ki taraf. Level up ho chuka hun. So come on Ling, I appreciate the help. It's nice to finally meet the general of the Crimson Army. Okay, I didn't know you had dealings with the Northerners. Sir, may ye dear. Does Prince Tarnlon know of this? Shibata, my boy. The prince personally insisted me on doing this. No dealings in the world are made without his blessing. Okay, Ling, come with me. Okay. Iron Pep Stark and Ling's Lantern. So you boy chaser. After Aaron's pep talk, you won't let your opponent become invincible and enter shadow form when they lose all health. Ling Ledron nullifies your opponent's shadow. Okay, Aaron ke saath apan chalenge. I tell you what, I don't like the fortress or the immortals, but there is no place like the Legion. This land gave us birth and she knows who. That's why the fire children survived. Okay. So, because of some reasons, Sarge got angry. And he tells Iron Clay to take care of everyone. So let's get to the fight. While and this is the cruel snake charmer, one of the worst fight rule ever apart from this arrow. So cruel snake charmer mein fight karna kafi hard hai, plus mein impossible mein hai. So isme problem ye hai ki agar main bas ek hit kha jaun, that what it take to, as you can see, bas ek hit aur mera sara health gaya. So मैंने काफ़ी मुश्किल से इसे हराया है और आपको इस फाइट में पता चलेगा. मीन्स इसको हराना काफ़ी आसान है अगर मैं कोई हिट ना लूँ इससे. मैं सिर्फ हिट करते जाऊँ एंड दैट्स इट. आई कैन सी ही इज नॉट एबल टू हिट मी, बट दैट्स इट. मेरा पॉइजन इससे पहले काम कर दिया जैसे ही इसने मुझे टच किया. बट मैं सेकेंड राउंड तो जीत गया, लेकिन थर्ड राउंड यू विल सी दिस. थर्ड राउंड में ये थोड़ा कैची हो जाता है और मैं ये सेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पॉइजन पड़ गया. ओके, मैं नाइटमेयर सेट भी यूज़ कर सकता था बट नहीं. सो आफ्टर दैट ये अभी भी इम्पॉसिबल पे है, बट आई विल डिफीट हिम राइट नाउ इन दिस स्टेप बिकॉज विद द सेट शैडो आर्टिसन. शैडो आर्टिसन मेरे लिए काफ़ी, एज यू कैन सी इसका आधा से ज़्यादा हेल्थ जा चुका है. सो देयर इज नो वे ही कैन एवर बी एबल टू हिट अपार्ट फ्रॉम दिस. एज यू कैन सी द पावर ऑफ शैडो, दैट्स इट. सो क्रूल स्नेक चार्मर को हराने का ये सबसे अच्छा तरीका है विदाउट गेटिंग हिट, जस्ट यू शेयर आर्टिसन सेट. इट इज़ अ वेरी यूजफुल सेट. और वैसे भी जिसको भी याद है, जो भी मुझे चैनल फॉलो कर रहे हैं, मैं चैप्टर 6 और 7 को पूरी तरीके से शेयर आर्टिसन सेट से ही करता हूँ. सो यहाँ पे क्रूल स्नेक चार्मर होता है ख़त्म. स्कॉरेज ब्रिंगर वॉट एवर द नेम इज, ही इज़ ए डन. दोनों राउंड परफेक्ट में मैंने जीता. एक्चुअली जो मज़ा इम्पॉसिबल में खेलने में है वो ईजी में नहीं. सो मस्ट प्ले इन बॉसियल. अपार्ट फ्रॉम दिस सबको पता ही है स्टेबिलिटी पाना कितना हार्ड, कितना ग्राइंड करना पड़ता है, दिमाग ख़राब हो जाता है ग्राइंड कर करके. सो आई एम नॉट इन टू डैट. मैं फाइट्स को बहुत ही आराम से, हो सके तो इम्पॉसिबल में ही ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक ग्राइंडिंग एंड आई वॉन्ट टू फिनिश शेयर ऑफ फाइट 3 एज सून एज पॉसिबल. मैं इसे पक चुका हूँ. सो अभी आता है एल्डर, और ये एल्डर वही है जो हमें बोलो से फाइट के पहले मिला था चैप्टर 7 पार्ट 1 की में बात. एंड यू कैन सी मेरे पहले अटैक में इसे क्रिटिकल अटैक था. सो आई गॉट रीड ऑफ हिज वेपन एंड नाउ हिज गन. इट वाज अ वेरी इजी फाइट. लेट्स गेट इन द राउंड 2. मार्कस स्वॉर्ड यूज कर रहा है बट ही डोंट नो हाउ टू यूज इट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही डोंट नो हु इज ही डीलिंग विद. आई विल यूज शेयर एनर्जी एंड द एल्डर इज डन. One last attack. Elder is gone. So Elder का नाम ही Elder है, so बेचारा बूढ़ा हो चुका है तो चल नहीं पाएगा. We will get through this. So चलते हैं next battle की तरफ और next story की तरफ इस Marcus Plan में. Helga, the master of this sword is the one that never backs down. Okay, so I am the one who never backs down. And Shibata, are you right? The score is taking its toll on him. We must hurry. So, boundless steep. स्टीप वॉरियर ओपोनेंट्स फायर ऑप्स टर्न यू ऑन हिट. सो ये थोड़ा थोड़ा ऑक्टोपस जैसा एबिलिटी लग रहा है कि मुझे इसके ऑप्स से बचना होगा, दैट्स ऑल. सो टॉर्लैंड स्पाइज इसका नाम है और ये मुझे ट्रेडर कह रहा है. ओके ब्रो, एनीवे सो यहाँ पे ब्लूजम, यहाँ पे मैं इस सेट के साथ इसे टपकाने वाला हूँ
as you all know, this is on impossible. So, Tarlin Spy, you are going to get beaten bad. And here it goes. Now, one more hit. Oh my god. So, Lance Weapon ne kaam nahi kiya, toh direct hit ne kaam kiya, aur kya. Chalte hain next round ki taraf, aur isko main jaldi nipane wala hoon. Tarlin Spy. Anyway, SF3 is going to get, and soon you won't change the future. How can you say that? वैसे इसके बाद शायद टार्लिन के साथ ही फाइट है. वेल आई डोंट नो, लेट्स सी टार्लिन है या नहीं. वैसे टार्लिन को इम्पॉसिबल में हराने में मेरी पूरी लग गई थी. काफ़ी मेहनत लगा मुझे इम्पॉसिबल में हराने में. हर बार उसका जो लॉयल बर्ड था वो मेरा शेयर उसनेस कर ले रहा था और उसे दे रही थी. आई मीन वॉट एवर. तो चलते हैं सीधे टार्लिन के पास और पूछते हैं, भाई क्या मामला है जो तुझे मुझसे फाइट करना है. सो लेट्स सी. I see Dangrao has failed to finish the job. Well, not like it matters. Once you are infected, your time is short, Your Excellency. Mera soldier Arantil kahan aa gaya? You have messed with the wrong people, mate. Sven told me to protect the general. It means that if the death comes for him, I will beat up death to death. This is it. Isliye mujhe Arantil pasand hai. Ye mujhe bachane ke liye maut ko bhi maar sakta hai. Itna bada kaun fek sakta hai? You cannot defeat the master. He has lost his homeland and he intends to make our fall. I will not betray him, otherwise the steep is doomed. So, broken wings, and as you can see, loyal Aurora. So, abhi fragile descendant fight rule ke karan ise tha jitna mushkil hai, kyunki jo iska jo bhi pet ka naam hai ye shadowness karegi, Tarlin ko de degi. Apart from that, Tarlin fir shadow ko use karega. वैसे मैं इसको हराने का बहुत अच्छा खासा टिप्स भी देने वाला हूँ, बिकॉज मैंने इसे इम्पॉसिबल पे हराने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों को एनालाइज किया और मैं इस नतीजे पहुँचा कि इसे हराना पॉसिबल है इवन दो इन इम्पॉसिबल. और फिलहाल इम्पॉसिबल में ये हिट कर रहा है तो शैडो एनर्जी तो ले ही रहा है, प्लस में इसका हेल्थ भी रिस्टोर हो रहा है. सो जो नेक्स्ट फाइट और जो वीडियो होने वाला है बहुत ही एपिक होने वाला है. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. होप यू लाइक दिस वीडियो.